1.3 क्वेश्चन नंबर हमारा 10th क्लास का 12 में वैल्यू को जरा देख लें। 4 × 2 और पावर है 2x+1 माइनस 9 × 2 पावर x+1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक वेरिएबल एक्सपोनेंशियल पावर के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है और इसको पहले देखें कि हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि इसको हम सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बनाकर किस तरह सॉल्व करेंगे। इसका जरा देखें, ये 4 एज इट, ये 2 की 2x और 2 की मैं मान ली सकता हूँ जिस तरह मैंने दूसरा चैप्टर 9th का किया उसमें 2.4 की थी, ये माइनस 9 और 2 की x एज इट और +1 इट्स इक्वल 0। हम जरा चेक कर लें, ये 2 की 2x है और ये 2 की x है, इसमें ग्रेटर 2x है और जो स्मॉलर है वो क्या है x है। तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए आपको पता है हम स्मॉलर को लेते हैं, लेट का लिया 2 के x इट्स इक्वल टू y, फिर हम इसका क्या लेते थे स्केयर, वेरी गुड, इसका स्केयर ले लिया और y का भी हम स्केयर लेते हैं 2 की 2x और y का स्केयर, क्लियर है जी। अब हम पुट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के एक न्यू वेरिएबल के साथ। अच्छा ये 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, 1 का मतलब 1 नहीं होता है और 2 की 2x की जगह पे मैं क्या लिख लूंगा माइनस 9 और 2 की x की जगह पे y और +1 इट्स इक्वल 0। अब देखो कितना इजी हो गया है, सिर्फ एक वैल्यू को अंडरस्टैंड करने से हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो देखें हम इसको फैक्टराइज करते हैं और सॉल्व करते हैं। 8 1 8 मल्टीप्लाई करने से 8 और प्लस मल्टीप्लाई करने से 9, 8 और 1 का पेयर बन गया, बहुत इजी हो गया, +1 इक्वल 0, दोनों में कॉमन 8y 1 माइनस 1 कॉमन y 1 इट्स इक्वल 0, दोनों में सेम क्या है y 1 बाकी बचा क्या 8y-1, क्योंकि क्लियर है। यस सर। अब हम लिखेंगे फर्स्ट भी 0 के इक्वल और सेकंड भी 0 के इक्वल, y को फाइंड करने के लिए -1 एक्स्ट्रा दूसरी तरफ जाकर माइनस का 1 है उधर जाकर प्लस का 1 का 8 मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ जाकर डिवाइड का 8, y की वैल्यू क्या है 2x, सो बिंग द वैल्यू ऑफ y 2 की x इट्स इक्वल y और इसकी जगह पे 2 की x इट्स इक्वल 1/8। अच्छा ये 2 की x है, ये 1 है, इसे मैं 2 की 0 लिख सकता हूँ क्योंकि किसी चीज की भी पावर 0 इसके इक्वल होता है 1। लॉजिकली यहाँ पर ये चीज यूज हो रही है, नीचे वाले सेम होने की वजह से x इक्वल किसके लिख लिया हमने 0 के, 2 के, और ये भी हमने तीसरे चैप्टर के अंदर किया हुआ है। yes. और ये वाला क्वेश्चन हमने तीसरे चैप्टर में किया हुआ है जिसमें लॉगरिथम के अंदर ये 3.2 के अंदर यूज है। दूसरी वैल्यू देखा 2 की x इक्वल 1/8 की जगह पे 2 2 2 8 2 की x 1/2 की क्यूब ऊपर जाकर 2 − 3, अब नीचे वाला ये क्या बाकी क्या रहेगा -3 सॉल्यूशन सेट निकला है। yes, sir. क्या है 0 एक 0 और दूसरा -3 क्योंकि समझ आ गया। यस सर, करेक्ट सॉल्व किया है।